प्रवेश के स्टार्टिंग में हमें दिखा देता है एक लड़के को जो कि एक बाथटब पर जाता है, और जब वो उस बाथरूम पर जाता है तब वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती है और वो उन लड़कियों को देख कर शर्मा जाता है। और इधर सिंचिफ दुकान में दिखा जाता है उस लड़के का बैक स्टोरी, जहाँ पर वो यानी उसका घर जल चुका था जिसके कारण से वो रास्तों पर गलियों पर अकेला ही घूमता था। और इधर में दिखा जाता है वो एक जगह गिरा होता है और उसके पास आ जाती है एक लड़की जो कि उसे बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। और इधर वो लड़का बोलता है मुझे भूख लग रही है इसी कारण से मैं बेहोश होने वाला हूँ। और इधर वो लड़की बोलती है कि मेरे साथ चलो मेरे दोम पर। और इधर में दिखा जाता है वो लड़का उस लड़के के दोम पर आ जाता है और वो यानी कि वो लड़की उसे एक खाने के लिए कुछ देती है और इधर वो लड़का भी खाने लगता है। इधर वो जब खा रहा था उसके मुंह पर कुछ खाने का कुछ लग जाता है जिसके कारण जब वो लड़की आकर उसके मुंह के पास से खा जाती है उसे। और इधर वो लड़का ये सब देखकर वो लड़का बोलता है कि मैं बाथरूम से आता हूँ। और इधर हमें दिखा जाता है वो लड़का उस बाथरूम पर जा रहा होता है लेकिन जब वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ नहा रहे होते हैं और वो लड़कियाँ उन्हें देख कर यानी कि उस लड़के को देख कर बोलती है कि ये बच्चा कहाँ से आ गया। और इधर वो लड़का बोलता है कि मुझे माफ करना और वो बहुत शर्मा जाता है। और इधर हमें दिखा जाता है एक लड़की को जो कि उस डोम पर आने लगती है और इधर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है यानी कि उस बाथरूम से जाने लगता है और वो भागते हुए जा रहा होता है और वो लड़की भी अंदर आ चुकी थी। और इधर वो दोनों यानी कि वो लड़का और वो लड़की का टक्कर हो जाता है। और इधर हमें दिखा जाता है वो लड़का जब आंखें खोलता है तब वो उस लड़की की स्कर्ट के अंदर होता है और इधर वो उसके दबा भी रहा होता है। और इधर एक लड़की आकर उसे पकड़ के बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। और इधर वो लड़का बोल नहीं पाता क्योंकि वो बहुत शर्मा जाता है। और इधर वो लड़की यानी कि जिससे वो टकराया था वो कुछ लिखने लगती है यानी कि उसके नाक से खून आ चुका था और वो लिखती है आदमी। और इधर सिंचित होता है और हमें दिखा जाता है वो लड़कियाँ और वो लड़का एक साथ होते हैं। और इधर वो लोग उसके नाम पूछते हैं वो क्यों अकेला घूम रहा था। और इधर वो लड़का बोलने लगता है उसका नाम है कोशिश और वो यानी कि उसका घर चल चुका था जिसके कारण से वो आवारा की तरह घूमता था लेकिन अब उसे एक जॉब की तलाश है। इधर वो ग्रीन हेयर वाली लड़की बोलती है उसका नेम है यहाँ से। और इधर वो रेड हेयर वाली लड़की बोलती है उसका नेम है इरिया और वो भी है सेकंड ईयर का स्टूडेंट। और इधर व्हाइट हेयर वाली लड़की बोलती है उसका नेम है सेरेना हाउस में। और इधर एक येलो हेयर वाली लड़की बोलती है उसका नेम है फ्ले। और इधर जो कोशिश को लाई थी वो लड़की बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर हमारे मदर ऑफ यानी कि दो मदर बन सकते हो। और इस बार फिर सब लोग एग्री भी होते हैं और इधर कोशिश भी मान जाता है लेकिन एक लड़की बोलती है कि हम तो मान गए लेकिन एथना कैसे मानेगी। और इधर हमें दिखा जाता है वो लोग एथना को बोलने लगते हैं कि यानी कि वही लड़की जिससे कोशिश टकराया था। और इधर एथना बोलती है कि यानी कि एथना को बोलती है कि कोशिश हमारे डोम का मदर होने वाला है। और इधर वो ये बात सुनकर बोलती है कि ये रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। और इधर वो वहां से चली जाती है। और इधर हमें दिखा जाता है इधर से समझा रही होती है यानी कि कोशिश को समझा रही होती है कि उसका नाक से खून बहता है जब वो एक आदमी को अपने पास देखती है। और इधर कोशिश बोलता है कि मेरे लिए कोई अलग यानी कि मेरे लिए कोई अपना खर्च छोड़ने की जरूरत नहीं। और इधर वो वहाँ से चला जाता है और वो एथेना के पास आकर बोलता है कि मेरे लिए तुम्हें खर्च छोड़ने की जरूरत नहीं। और वो वहाँ से चला जाता है यानी कि कोशिश वहाँ से चला जाता है। और इधर एथेना अपने दोम पर आ जाती है। और इधर में दिखा जाता है कोशिश एक पार्क पर होता है जहाँ पर वो सो जाता है और उसी पर उसके पास आ जाती है एथेना। एथेना कोशिश को उठाकर ले जा रही होती है कि उसी पर कोशिश उठ जाता है और वो गलती से उसके कुछ दबा देता है जिसके कारण से एथेना फिर से वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और इधर हमें दिखाया जाता है कोशिश दोम पर आ जाता है और इधर वो एथेना को उठाकर ले आया था। और तो उसके बाद हमें दिन भर दिखाया जाता है कोशिश डोम के बाहर साफ कर रहा होता है और डॉलर की आकर बोलती है कि यही है वो यानी कि वही डोम है जिसका नाम सब लोग इसे बुरा ही डोम जानते हैं यानी प्रॉब्लम डोम। और ये नाम सुनकर तो इधर कोशिश सोचने लगता है कि इस डोम का नेम ऐसा क्यों है लेकिन वो सोचता है कि ऐसा ना सोचते हुए वो सिर्फ इस जगह पर काम करेगा क्योंकि उसके कारण से उसे पैसे और रहने के लिए जगह भी मिलेगी। और इधर वो जब डोम के अंदर साफ करने जाता है तब वो सारे रूम के पास ही इतना गंदगी देखकर सोचने लगता है कि सिर्फ एथेना के रूम के बाहर ही गंदगी नहीं है लेकिन सब जगह ही गंदा है। इधर वो फर्स्ट मीनासे के रूम पर जाता है और जब वो कॉलिंग पर जाता है तभी उसी समय पर वहाँ से मीनासे आ जाते हैं लेकिन वो बिना कपड़ों के थे यानी सिर्फ वो सिर्फ अपना टी शर्ट पहनकर थी। और ये सब देखकर कोशिश शर्मा जाता है और वो बोलता है कि आप पहले कपड़े पहन के आए तभी मैं आपके रूम
को साफ कर पाऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कौशिक वहां से चला जाता है और इधर में सिंसिप्टो का दिखाया जाता है कौशिक फ्ले के रूम पर होता है। और इधर फ्ले कौशिक को एक कोसप्ले पहनाती है और वो बोलती है कितने क्यूट लग रहे हो तुम। और फिर वो अपने ड्रॉअर से एक मापने की कुछ देती है कौशिक को और वो बोलती है कि मेरा मापो। और इधर वो अपने बाहर के कपड़े खोलती है और वो अपने मापने देती है। जब वो माप रहा था उसके थोड़ा सा गलती होता है जिसके कारण से वो समझ जाता है। वो वहां से जाने ही लगता है तभी एक तार से लगकर यानी कौशिक का पैर एक तार पर लग जाता है और इधर फ्ले कौशिक के ऊपर होती है यानी कि वो लोग गिर चुके थे। और इधर कौशिक बहुत समझ जाता है लेकिन फ्ले बोल रही थी कि और इधर फ्ले बोलने लगती है कि तुमने शायद से ये सब जानबूझ से किया है। और इधर उसी ऊपर एक अलार्म बजता है और इधर वहाँ पर आ जाते मीना से और वो बोलती है मीना एक्सपेरिमेंट से एक गलती हो चुका है जिसके कारण से जहरीली हवा है यहाँ पर घूम रही है तुम लोग जल्दी करो। और वो उन लोगों को खींच कर बाहर ले जाती है। इधर में देखते वो लोग बाहर होते हैं और इधर वो थोड़ा निकल रहे थे। और इधर कौशिक पूछते कि मेरा तो ठीक है लेकिन इतना सेना क्रिया का क्या होगा। और इधर मैं बोलने लगते वो लोग ऐसे भी खबर बहुत कम ही होते हैं ऐसे वो लोग अब के समय पर थे ही नहीं। और इधर कोशिश समझ जाने लगता है कि ये हमेशा हो नहीं सकता है लेकिन भी वो लोग घर में होते तो क्या होता। और इधर वो मीनाक्षी को समझाने लगता है कि आप लोग यानी कि आप एक्सप्लेन करते हैं लेकिन आप जब गलतियां करते हैं तब आपको पछतावा नहीं होता। और इधर मीनाक्षी बोलने लगते तो क्या मैं एक्सप्लेन करना बंद कर दूँ। और इधर कोशिश बोलता है कि ना आपको एक्सप्लेन करने का जरूरत यानी कि आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन कुछ गलती होने से पछतावा भी करना चाहिए। और ये सब बोलते वो सोचता है कि वो उनके ऊपर चिल्ला रहा है और वो वहाँ से भागने लगता है। और वो बोलता है कि आपके ऊपर चिल्लाने के लिए मुझे माफ़ करना और वो वहाँ से चला जाता है। और इधर वो दोनों सोचने लगते कि हम लोग तो गुस्सा नहीं थे उसके ऊपर वो क्यों भागा। और इधर कौशिक एक जगह होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग भीड़ बनाते हैं और वो लोग उसके फोटो ले रहे थे क्योंकि वो लोग सोचते कि वो एक कॉस्प्ले है। और इधर में देखा जाता है फ्ले और मीनाक्षी एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं उसके ऊपर यानी कि मीनाक्षी और फ्ले के ऊपर एक कपड़ा आ जाता है जो कि कौशिक ने लाया था क्योंकि वो लोग यानी उन लोगों को ठंड लग सकती थी इसी कारण से वो कंबल लाया था। और इधर वो लोग पूछते कि तुम इस कपड़े को कहाँ से लाए। और इधर वो लड़का बोलता है कि यानी कौशिक बोलता है मैंने एक आदमी को रिक्वेस्ट की इस कपड़े के लिए। और वो लोग सोचते कि यानी कि वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे क्या और वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें क्या ठंड नहीं लग रही। और इधर कौशिक बोलते है कि नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही है मैंने बहुत टाइम गलियों में अकेला बिताया है। और इधर कौशिक बोलने लगता है ऐसे भी ये मेरा काम था यानी कि आप लोगों को ठंड से बचाना क्योंकि मैं आप लोगों का दो मदर हूँ। और वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं यानी कि कौशिक को पकड़ लेते हैं। वो दोनों उसके कुछ करने लगते हैं और उसी ऊपर वहाँ पर आ जाती है एथेना। और वो लोग यानी कि एथेना उन लोगों को देख कर समझ आती है और इधर उसके नाक से फिर से खून बहने लगता है। और इधर में दिखा जाता है एथेना को जो कि दम में होती है और वहाँ पर सब लोग होते हैं। और इधर एथेना बोलने लगते है ये लड़का यानी कि कौशिक एक मिडिल स्कूलर है और हम लोग कॉलेज पर है मैं तुम्हें इस लड़के का दिमाग खराब करने को नहीं दूंगी। और इधर वो बोलती है कि मैंने अपना फैसला ले लिया है तुम लोग इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। और इधर मीना से बोलती है कि मैंने समझ लिया तुमने क्या बोला। और वो अपना कपड़े खोलने लगती है और उसी ऊपर इतना उसके थकने लगती है। और इधर सीजिना बोलती है कि ये सब तो मजेदार लगता है वो भी अपना शर्ट खोल कर करने लगती है। और फिर मैंने कहते लास्ट पर जहाँ पर फ्ले के ऊपर कौशिक और उसके ऊपर मीना से होती है। और फिर हमें एक प्रीव्यू आता है जहाँ पर एक लड़की को यानी कि कौशिक को कोई किस करती है। एपिसोड का एंड हो जाता है।